हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप? एक चिनफ्लेम वो होता है जो कितनी भी भीड़ में हो, कितना भी दूर हो, पर मैग्नेट की तरह उसको आपके पास आना ही होता है और वो आ जाता है और आपको शॉकिंग लगता है कि ये क्या है, ये कौन है, एकदम से स्ट्रेंजर जिससे आपको अपनी हर बात बोलने का मन करता है। बींग ही इज सच अ स्ट्रेंजर पर्सन जो एकदम से आपकी लाइफ में आके इतना अजीज हो गया, इतना स्ट्रेंजर पर इतना अजीज कि आप उसको दिमाग से तो निकाल सकते हैं पर अपनी आत्मा से निकाल नहीं सकते। और फिर सब सवाल ये उठता है कि क्या हमें शादी करने का जो मन करता है तो क्या शादी तो होती ही होगी, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या क्यों ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या क्या ये रिश्ता इस शादी से ऊपर का है? यकीन नहीं है मुझ पर, तो हम इन सारे सवालों के जवाब अब आगे सुनेंगे हमारी डिवाइन फेमिनिन के होठों से, आवाज़ से। लेकिन एट द एंड आपको उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी होगी। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय मैम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आई हैड लिसन टू योर वीडियो टुडे अबाउट द ट्विन जर्नी, कि ट्विन जर्नी मिथ होता है नहीं होता है, एंड व्हाट एक्सपीरियंसेस वी हैव शेयर्ड विथ अवर ट्विन। तो मुझे जस्ट लगा कि मे बी जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने आज तक लिए हैं, मुझे ऐसा लगता था कि हर किसी को आते होंगे ये एक्सपीरियंसेस, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। पर मैंने जस्ट सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूँ, ये शेयर कर लूँ, एंड इफ समबडी फाइंड्स इट हेल्पफुल तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे। तो आई वुड जस्ट स्टार्ट कि मैं और मेरे ट्विन फ्लेम हम लोग 20 साल पहले मिले थे फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड तब हम लोगों को पता भी नहीं था कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, कभी सुना भी नहीं था। वी डिडेंट इवन न्यू कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मतलब मैं उन्हें पसंद करती थी पर मुझे ये नहीं पता था कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। तो इट वॉज जस्ट मतलब एक साल तक हम लोग साथ में थे, वी वर इन द सेम कॉलेज, तो एक साल तक हम लोग साथ में थे। वो मेरे सीनियर थे तो वो जल्दी ग्रेजुएट हो गए एंड देन वी लॉस्ट टच। उसके बाद नियरली अबाउट 18 ईयर्स हम लोग बिल्कुल भी टच में नहीं थे एक दूसरे के, पर हर बार जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो आई यूज़ टू थिंक ऑफ हिम ओनली। कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सिर्फ उनके पास हैं। और जब हम लोग वापस मिले थे तो तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि पता नहीं क्यों, पर कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में होगी तो यू ऑलवेज थिंक अबाउट मी, कि हमेशा तो मुझे याद करती होगी। ये मुझे पता था, मतलब 20 साल में आई वोंट से कि एक दिन भी मैं उनको भूली नहीं वगैरह, इट वाज नथिंग लाइक दैट। मैं अपनी लाइफ जर्नी में थी, वो अपने लाइफ जर्नी में थे, पर जब भी कभी ज़रूरत होती थी तो हमेशा सबसे पहले मुझे उनकी ही याद आती थी। एंड इवन ही सेड दैट इन द सेम वर्ड्स कि मुझे पता था तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे ही याद करोगी। बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ चैट में अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हो तो मैं कुछ लिखती हूँ और ही सेज कि एग्जैक्टली मैं अभी यही टाइप करने वाला था। इवन कॉल में भी कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों एग्जैक्टली सेम लाइन एट द सेम टाइम बोलते हैं। तो ये बहुत चीज़ें, मतलब जब आज आप और सर दोनों बोल रहे थे तो हो सकता है कि बहुत लोगों को ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस सोल्स हो, तो यू माइट बी फीलिंग दैट कनेक्शन। पर जिनको शक है अभी भी इस बात का कि ट्विंस होते हैं या नहीं, सिंपल हम लोग जो अभी बिगनर्स है इस जर्नी में, इवन वी एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। बहुत बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कनेक्शन होता है ये। एक बार मुझे याद है मैंने उनको जस्ट पूछा था सुबह, पता नहीं कि उस दिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्रीद नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, हेडेक हो रहा था। तो मैंने उनको जस्ट पूछा कि वेदर ही इज़ ऑल राइट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बीमार है इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और उन्होंने भी कंफर्म किया सुबह में कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। पर दोपहर जैसे जैसे होने लगी मुझे वो ज़्यादा सफोकेशन बढ़ने लगा। 4-5 बजे के बाद मैंने उनको फिर से दो बार, तब तक मैं ऑलरेडी उनको पूछ चुकी थी, तीसरी बार मैंने फिर से उनको पूछा कि आप ठीक हो ना, एंड ही सेड हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर 1 घंटे बाद उनका मैसेज आया कि तुम्हें कुछ पता चलता है क्या किसी चीज़ से।
तो मैंने कहा क्या हुआ, तो ही सेड कि पता नहीं मुझे अचानक से बहुत हाई फीवर है एंड आई एम एट होम और बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है और मेरे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तो आई डोंट नो, पर ये बहुत बार हुआ था कि इवन वन डे, मतलब उन्हें भी ये होता है कि एक बार उन्होंने मुझे ऐसे ही, आई वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम माई ऑफिस और मैंने निकलते वक्त उनको मैसेज किया था कि आई एम गोइंग होम, और उन्होंने कभी नहीं लिखते, पर उस दिन उन्होंने लिखा था कि प्लीज़ ड्राइव सेफली और टेक केयर। तो मुझे लगा था हाँ ठीक है, मतलब होता है, बोला होगा। एंड उस दिन वाइल रिटर्निंग होम आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट, और वो क्या हुआ कैसे हुआ आई स्टिल डोंट रिमेम्बर। 2 साल हो गए इस बात को, बट आई स्टिल डोंट रिमेम्बर कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था। और फिर मैंने नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने खुद मैसेज किया था नेक्स्ट डे कि आर यू ऑल राइट, तो फिर मैंने उनको कहा कि कल शाम को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एंड ही वॉज लाइक कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि ड्राइव सेफली। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे फील होता है, ये कनेक्शन उनको भी फील होता है। बहुत बार जब मेरा मन करता है उनसे बात करने का, दैट डे वो कॉल करते ही है। मतलब ये कनेक्शन ऐसा है कि आई कांट एक्सप्लेन इट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में भी ये कनेक्शन फील होता है। एक ऐसी बात है मैडम, मैंने आपका मैम कर्मा हीलिंग एंड डीएनए रिपेयर दोनों आपके सेशंस, जैसे मैम आपके तो सारे सेशंस मंडे टू संडे मेरे चलते ही है, एनर्जी क्लियरिंग है, कर्मा क्लियरिंग है, डीएनए रिपेयर है, एनर्जी बैलेंसिंग है, डीएमडीएफ बैलेंसिंग, टेलीपैथी, टेलीपैथी इज वन ऑफ द वंडरफुल सेशंस मैं करती हूँ, क्योंकि अब तो ना मेरे डीएम से मुझे ना टेलीपैथिक सेशन में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जस्ट एन्जॉय वो टॉक हमारा जो होता है, बिकॉज आई कैन एक्चुअली फील हिज वर्ड्स। और कुछ दिनों के बाद ना एग्जैक्टली वही कॉन्वर्सेशन हमारा मटीरियलाइज होता है, जैसे आपने सेशन में कहा है कि इसको इट इज़ वर्किंग ऑन एनर्जेटिक लेवल और मटेरियलाइज होने में शायद थोड़ा टाइम लगे, एग्जैक्टली वही होता है। अगर मैंने आज वो सेशन किया ना, विद इन अ वीक हमारा वही कॉन्वर्सेशन मटेरियलाइज होने लगता है, एंड एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही कॉन्वर्सेशन होता है। तो इट्स जस्ट वंडरफुल कि इट्स वर्किंग मिराकल्स। मतलब जब मुझे याद है जब मैंने आपका एनर्जी क्लियरिंग सेशन से स्टार्ट किया था, तो आपने कहा था कि ये 3-4 मंथ्स तक मटेरियलाइज होगा, एनर्जेटिक लेवल से 3-4 मंथ्स लगते हैं मेटेरियलाइज होने के लिए। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ओके इफ आई डू इट फॉर 3 और 4 मंथ्स तो शायद मेरा एनर्जी क्लियरिंग हो जाएगा, उसके बाद मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ ऐसी है कि मेरा इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द रूटीन। अगर मैं वो नहीं करूँ मंडे ट्यूसडे, अगर मैं एनर्जी क्लियरिंग सेशन नहीं करती हूँ, तो मुझे खुद बहुत अजीब सा लगने लगता है वेनसडे को, ठीक कुछ तो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है। इतना ज़्यादा इफेक्ट उस सेशन का मुझ पे, मेरे ट्विन पे, बिकॉज एट द सेम टाइम आई एम क्लियरिंग हिज एनर्जी, आई एम क्लियरिंग हिज ऑरा ऑल्सो। और ये चीज़ें हुई है हमारा जब सेपरेशन, फर्स्ट टाइम जब 18 ईयर्स का सेपरेशन हुआ, उसके बाद हम लोग फिर से मिले, उसके बाद हम लोग फिर से सेपरेशन में थे फॉर 6 मंथ्स। तब मैंने मैम आपसे काउंसलिंग भी लिए थे, 2-3 टाइम्स मैंने आपसे काउंसलिंग लिए थे, उसके बाद जैसे जैसे आपने गाइड किया है एग्जैक्टली उस तरह से जाके माई ट्विन हैज एडमिटेड दिस रिलेशनशिप, वी आर इन टू हारमोनियस यूनियन। और इतना ही नहीं है, टिल डेट उन्हें ट्विन फ्लेम की कंसेप्ट ही पता नहीं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे अगर उनको कोई बताएगा ना जाके कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ही वोंट एक्सेप्ट। पर ये रिलेशन हर चीज से ज्यादा, या दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल रिलेशनशिप, ये तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद कहते हैं कि पता नहीं क्या रिश्ता है पर हर रिश्ते से बढ़ के ये मेरे लिए। हमेशा वो ये कहते हैं कि जितना मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे सामने हंसने में या रोने में, सारी दुनिया के सामने मैं नहीं रोऊंगा, पर तुम्हारे सामने मुझे रोने में शर्म नहीं आती है। एक ही बात उन्होंने एक बार कही थी कि या तो मैं आईने के सामने रोता हूँ या तो मैं तुम्हारे सामने रो सकता हूँ, बिकॉज ही फील्स दैट वननेस विथ, मतलब जो कहते हैं ना हमारा पार्ट है, तो वो सिर्फ अपने सामने, उनके सामने ही वो खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे कनेक्शन के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारे मैंने देखे हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा, ये तो मुझे पहले से पता था कि दिस जर्नी इज नॉट अ मिथ। जब से हम लोग मिले थे फ्रॉम 20 साल पहले से, तब से मुझे पता था ये कनेक्शन कुछ अलग है। क्या एग्जैक्टली तब मुझे पता नहीं था, बिकॉज इतना सोर्सेस नहीं थे तब ये सब ढूंढने के लिए।
अब पता, जब हम लोग फिर से मिले तब भी मुझे पता था कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। पर वो क्या डिफरेंट है वो मुझे पहले पता नहीं था जब तक आपके चैनल से मैं नहीं जुड़ी थी। पर धीरे धीरे ये कनेक्शन इतना अच्छे से डेवलप हो गया है। जैसे आपने आपके कई वीडियोस में आप बोलते हो कि हम मेरी मेरे क्विन के साथ शादी होगी नहीं होगी, ये बहुत लोगों के सवाल होते हैं। बिलीव मी, अगर आप मैम को रिलीजियसली आप सब फॉलो करते हैं ना, तो ये सवाल ही नहीं रहता है कि वेदर आई विल मैरी माई ट्विन और नॉट, बिकॉज मैरिज डजेंट एग्जिस्ट। वो एक बाउंड्री, मेरे हिसाब से तो मैरिज एक बॉन्डेज या बाउंड्री बन के रह जाती है। एंड ये जर्नी आपको लिबरेट होना सिखाती है, आपको आपके पॉवर्स के हिसाब से आपको खुद को असेंड करना, लिबरेट करना सिखाती है। तो जस्ट एक 3D रिचुअल में आप खुद को कैद करना चाहते हो या 5D में जाके आप खुद को लिबरेट करना चाहते हो, यही तो ये जर्नी आपको सिखाती है। और यही मैम हमेशा आप हमको बोलते हो कि ऊपर उठो, ऊपर उठो इन सब चीजों से। आई वुड जस्ट मेंशन कि आई एम मैरिड, माई ट्विन इज मैरिड, और बहुत अच्छे रिलेशन में हम लोग हैं। मतलब ना मैं अपना घर बर्बाद कर रही हूँ, ना वो उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। स्टिल वी आर इन टू वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वी डोंट, मतलब मैं तो हमेशा उनको कहती हूँ कि मैं आपकी वीकनेस नहीं बनना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। तो इस तरह का अगर जो रिलेशन होता है ना, इट इज सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कि इसको किसी नाम की भी जरूरत नहीं है, ना किसी पहचान की जरूरत है। ये रिश्ता अपने आप में आपकी पहचान बन जाता है। एक और छोटा सा इंसिडेंस मैं बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग फिर से मिले थे आफ्टर 18 ईयर्स, मेरा फेसबुक पे कभी अकाउंट नहीं था, बिकॉज आई नेवर यूज टू लाइक फेसबुक, मुझे वो ऑपरेट करना पसंद ही नहीं है। पर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया था कि फेसबुक पे अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो। तो मैंने अकाउंट बनाया एंड मैंने, बहुत कम फ्रेंड्स थे, मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर पे अपना पिक्चर भी नहीं रखा था। और तब जब मैंने अप्रैल में अकाउंट बनाया, तब अगस्त में मेरे पर्सन ने मुझे मैसेज किया ऑन मैसेंजर, और उन्होंने मेरा नाम सिर्फ लेके पूछा कि आर यू दिस पर्सन, वो मेरा शादी से पहले का नाम उन्होंने लेके पूछा। और उनका जो अकाउंट था, वो उनका अकाउंट भी उनके बिजनेस के नाम से था, तो उनका नाम नहीं था। बट पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, इंस्टेंटली मुझे पता था कि ये मेरे पर्सन का ही मैसेज है। और मैंने उनको डायरेक्टली उनका नाम लेके बोला कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी क्या। तो इट इज़ दैट कनेक्शन कि कुछ भी नहीं पता, ना उनकी प्रोफाइल पिक थी, ना मेरी प्रोफाइल पिक थी, ना हमारे नाम वो थे जो जिससे हम लोग एक दूसरे को जानते थे। फिर भी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हम दोनों को पता था कि ये मतलब वही पर्सन है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। जैसे ही सामने आते हो आप पहचानते ही हो। तो अगर इतना स्ट्रांग कनेक्शन है जो किसी और के साथ नहीं फील होता है, तो हाउ कैन दिस जर्नी बी अ मिथ। और अगर ये मिथ है, तो जब हम लोग साथ में नहीं थे तब आई वॉज इन टू सच डार्कनेस कि आई वॉज एट द वर्ज ऑफ डिप्रेशन। ऐसा भी हुआ था कि 2-3 बार तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं जिंदा भी क्यों हूँ, मतलब आई वॉज थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड। और जैसे मैम हमेशा कहती थी कि एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से आपको एक डिवाइन फेमिनाइन बनना है, तो एग्जैक्टली व्हेन आई वॉज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि शायद मैं तब सुसाइड करने के बारे में भी सोचती, तभी मेरे डीएम मेरी लाइफ में आए थे एंड उन्होंने एक्चुअली ही टॉट मी ऑल दिस थिंग्स। तो वो कभी नार्सिसिस्ट भी हो ही नहीं सकते कि अगर आज मैं लोगों को अगर ये सिखाती हूँ कि सुसाइड करना इज नॉट एन ऑप्शन, 2 साल में ही अगर मैं खुद इतना ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ, तो हाउ कैन ही बी अ नार्सिस्ट। मतलब सिर्फ मेरे नहीं, किसी भी डीएम को अगर आप नार्सिस्ट बोलते हो, तो एक बार ये तो सोचो कि उन्होंने आप में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो एटलीस्ट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट फर्स्ट। एक और चीज़ मैम है, लास्ट आई वुड नॉट मेक दैट वेरी लॉन्ग। मेरे डीएम की, और एक बार उनकी और मेरी बात हो रही थी, और वो अपनी वाइफ की बहुत तारीफ कर रहे थे कि वो घर में सबको संभालती है, सबका ख्याल रखती है, बहुत अच्छे से सब कुछ करती है। एंड फॉर अ सेकंड ना मुझे थोड़ा सा जेलसी फील हुई कि मेरे सामने वो अपनी वाइफ की तारीफ कर रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगा कि वो जो मतलब आज तक जो मैं उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, कहीं ना कहीं वो मेरी जगह ले रही, तो आई फेल्ट अ बिट जेलस। पर
एक 2 सेकंड के बाद मैंने सिर्फ सोचा कि क्यों ना तारीफ करे, वो इतने सालों तक उन्होंने ख्याल रखा है उनका। तो एक पर्सन जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, इज इट अ बैड थिंग? आई डोंट थिंक, नॉट एट ऑल। कि अगर हमारे हस्बैंड है, हमारे हस्बैंड हमें वो रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें तो अच्छा लगना ही चाहिए ना। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरे मतलब मैं ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। वरना मैं बहुत ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, स्पेशली मर्दों को, हु जस्ट वांट्स टू टेक एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ, अगर होता है, रिलेशन बनता है तो बन जाए, तो वो हमेशा अपनी वाइफ को कोसते रहते हैं। बट माई पर्सन इज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि जो अपनी वाइफ को कोसता रहे किसी और के लिए। तो मुझे उस चीज पे आई रियली फील प्राउड कि माई पर्सन नोज हाउ टू रिस्पेक्ट हिज वाइफ, एंड आई एम प्राउड दैट आई लव हिम। क्योंकि जो अपनी वाइफ की कदर जानता है ना, वही बाकी सब रिलेशंस की कदर कर सकता है। एंड ये थर्ड पार्टी वगैरह बाकी सब, तो ये चीज़ें चलती रहती है, चलता ही है, चलता ही रहेगा, बिकॉज वी हैव टू डील विथ इट। बट जो भी चीज़ें आपने बोली थी मैम वीडियो में अबाउट द नार्सिसिस्ट थिंग एंड द रिलेशन, जो ये है अबाउट द कॉर्ड्स बिटवीन द रिलेशनशिप, दे आर वेरी वेरी ट्रू। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार है ना आप मैम के कोई भी सेशंस रिलीजियसली फॉलो करके देखिए। मिराकल्स, इट जस्ट ब्रिंग मिराकल्स इन टू योर लाइफ। एंड रियली थैंक यू मैम फॉर मेकिंग दिस सेशंस फॉर अस। एंड सॉरी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट यस, डू आई वुड डेफिनेटली लव टू शेयर दीज एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दे मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद किसी को इससे हेल्प होगी, तो आई वुड एक्चुअली फील ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम। सॉरी मैम टू मैसेज यू अगेन, पर मुझे लगता है कि ये भी शायद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इफ शेयर्ड विथ एवरीबडी इट कैन हेल्प देम। मैं एक बार आपका डीएनए रिपेयर सेशन कर रही थी, एंड आई रिमेम्बर कि आपने उसमें कहा था कि अगर आपको कोई वुंड्स मिले हैं फ्रॉम दिस लाइफ और द पास्ट लाइफ, तो वो वुंड्स भी हील हो जाए उसमें। एंड मतलब कुछ सेशंस होने के बाद वन डे सडनली, आई डोंट नो, आई वॉज इन टू अ टाइप ऑफ ट्रांस, और उसमें मैंने एक विजन देखा। मैंने किसी के फेसेस क्लियरली नहीं देखे, बट आई सॉ अ लेडी पंजाब टाइप में से, खेतों में वगैरह होता है। वैसे एक लेडी थी वहाँ पे, शी वॉज अ पंजाबी गर्ल, और वो कुछ काम कर रही थी खेत में। एंड एक आदमी वहाँ से आता है, उसके साथ 2 बच्चे होते हैं, एंड ही टॉक्स टू दैट लेडी। में शायद वो हस्बैंड वाइफ ने, मतलब उनकी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ एंड दैट 2 किड्स। और फिर वो लड़की, मतलब वो औरत उसके साथ जाती है, एंड एक पहाड़ी पे एक मंदिर होता है, तो वो मंदिर की घंटी बजती है, एंड शी लुक बैक एंड स्माइल्स सेइंग दैट शी वुड सर्टनली विजिट द टेम्पल। और उसके बाद आई गॉट आउट ऑफ द ट्रांस, और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली मुझे वो विजन क्यों आया था। बट जैसे आप हमेशा बोलते हो कि अगर आपको कोई सवाल है तो यू आस्क यूनिवर्स फॉर द आंसर्स, तो मैंने प्रे किया यूनिवर्स से कि क्या ये मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था, या फिर क्या तब मुझे इस लाइफ में कोई वुंड मिला था, तो प्लीज़ आप मुझे कोई सिग्नल दो कि डू आई नीड टू क्लियर दैट वुंड ऑफ माई पास्ट लाइफ जो मुझे इस लाइफ में मतलब तकलीफ दे रहा है। और 2-3 दिन बाद अचानक मेरे पर्सन ने, हम लोगों की बात चल रही थी, तो ही जस्ट सेड कि मतलब 20 साल पहले जब हम लोग मिले थे, तब ऑन अ पर्टिकुलर डे मैंने कुछ ड्रेस पहनी थी, एंड यू आर एग्जैक्टली लुकिंग लाइक अ पंजाबी गर्ल इन दैट ड्रेस। तो मैंने उनको पूछा 20 साल पहले की बात अभी क्यों याद आई, तो ही सेड आई डोंट नो, अभी एकदम दिमाग में मेरे वो फ्लैश हुआ, तो मुझे याद आया कि तब यू आर लुकिंग टिपिकली अ पंजाबी गर्ल। और मुझे इतना वो रिलेट हुआ जो विजन मैंने देखा था, तो वो एक कंफर्म मुझे साइन मिला कि ये शायद वो लाइफ का मेरा कोई वुंड होगा, आई डोंट नो। पर उसके बाद जब भी मैं डीएनए रिपेयरिंग, इवन कार्मा क्लियरिंग सेशन करती थी मैं, तो आई यूज टू प्रे कि अगर मेरा वो पास्ट लाइफ जो आपने दिखाया है मुझे, उसका कोई मेरा वुंड है या फिर कोई कर्मा है, तो प्लीज हेल्प मी क्लियर इट आज। मतलब वो उसके बाद मुझे वैसे ड्रीम कभी नहीं आए, अदरवाइज आई ऑलवेज यूज टू हैव दैट काइंड ऑफ ड्रीम्स कि मतलब आई डोंट नो, पर जब ऐसा बोलते हैं कि पार्टीशन के टाइम के दंगे वगैरह उस टाइप के, कोई ना कोई, क्योंकि एक दंगों का ड्रीम इससे पहले मुझे आया था,
पर उसके बाद आज तक मैंने कभी भी ऐसे वॉयलेंट मतलब वॉयलेंस से भरे हुए ड्रीम्स, दंगों के ड्रीम्स मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तो आई थिंक कि वो दोनों सेशंस में भी, डीएनए हीलिंग एंड कार्मा क्लियरिंग में भी, इट हेल्प मी एक्चुअली क्लियर वो, अगर कोई वुंड था या कार्मा था वो लाइफ का, तो वो भी मुझे क्लियर होना वहाँ से, आपके सेशंस में से वो तो क्लियर हुआ ही, पर वो मेरे ट्विन ने भी वहाँ पे मुझे हेल्प किया कि यस दैट वाज दैट लाइफ कनेक्शन, कि जो शायद मुझे हील करना ज़रूरी था।